धन धन सतगुरु तेरा आसरा। कौन पुछ दे कोजियां कमलियां तेरे प्यार दी पैरी रोशनी। सी पत्ते पत चढ़ दे हो गए कली बहारां दी सी पत्ते पत झड़ दे हो गए कली बहारां दी सी पत्ते पत झड़ दे हो गए कली बहारां दी ऐसी मेर होई सत मखमल ते कदे गल विच लीरां सी चन मिल गया चकोरां नू किथे तक दीरां सी लोहे चो चमक पवे सोने दिया तरां पत्ते पत चढ़ दे हो गए कली बहारां दी पापी नैणा चो पवे झलक नगीने दी कीता सिखर दुपहरानू रुत सौण महीने दी तांग वधदी जावे जी रूनू गम खारां दी पत्ते पत झड़ दे हो गए कली बहारां दी कंडियालियां थोरा चो आवे महक गुलाबां दी
कंडियालियां थोरा चो आवे मैं गुलाबांदी कोयल जी मिठास भरी इन सख्त आवाजांदी दात बख्शती गूंगे नू दाता तू फनकारांदी चढ़ दे होके कली बहारांदी सतनाम जी वेंदा रहे हाड़ एह प्यारांदा कदेरा न फड़िए जी मोलोप हंकारांदा शाह सतनाम जी वेंदा रहे हाड़ एह प्यारांदा कदेरा फड़िए जी मोलोब हंकारांदा पत्थरां ते पैंदी रहे निगाह सरकारांदी सी पत्ते पत्त छड़ दे होगे कली बहारां पत्ते पत्त छड़ दे किते कली बहारां दी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा तरजीव मालिक का नाम लेना नहीं चाहता भक्ति इबादत करना नहीं चाहता इस घोर युग में और साजो सामान के लिए लोगों को रोते देखा है कोई बेटे के लिए रोता है कोई धन दौलत के लिए रोता है कोई जमीन जायदाद के लिए रोता है कोई बीमारी के लिए रोता है तो ये मोह ममता में काम वासना को लो मोह अहंकार में मन माया में रोते लोगों को देखा है पर सतगुरु को पाने के लिए उसकी भक्ति इबादत के लिए कोई आंख होती है जिसके अंदर वैराग्य आता है और वही मालिक को पूर्णतः पा सकते हैं उन्हें अंदर दर्शन होते हैं उन्हें बाहर दर्शन होते हैं और वही कण कण में जर्रे जर्रे में मालिक के नूरी स्वरूप को महसूस कर पाते हैं देख पाते हैं। वैराग्य सदगुरु के लिए हो परमपिता परमात्मा के लिए हो क्योंकि खुश्क नवाजें खुश्क इबादत में बड़ा समय लगता है मालिक तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है तरीके रास्ते वैराग्य रास्ते जी बहुत जल्दी अपने परमपिता परमात्मा को पाता है तो ये तरीका रास्ता है तो सबके अंदर वैराग्य किसी के कहने से नहीं आता वैराग्य भावना से आता है और भावना सेवा सुमरण भक्ति इबादत मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास होने से ही भावना पैदा होती है इसलिए भाई अगर आप अपने अंदर भावना वो दृढ़ विश्वास पैदा कर लें तो वैराग्य भी आएगा और उसके द्वारा ही आप परमपिता परमात्मा के दर्शन जल्दी और बहुत जल्दी कर पाएंगे तो सदगुरु के वचनों पे अमल करो वचनों पे चलो तो मालिक की रहमत होती है।